आप हैं बिहार संवाददाता के साथ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आज नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी और श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर भाजपा में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये याद रखना चाहिए कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही वो पहली बार बिहार में 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। जब 2000 में वो मुख्यमंत्री बने, उस समय वो बहुमत साबित नहीं किए, उसके बाद जो है दिल्ली लौटे और उन्होंने फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई, उनको मौका दिया गया मंत्री बनने का। लेकिन सब कुछ भुलाकर नीतीश कुमार जो है एक तरह से भाजपा के पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं। सुनवा रहे हैं हम आपको कि सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। आज नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल जी का समर्थन करते तो आपको नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। अटल जी और नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है, लेकिन अटल जी आडवाणी जी का समर्थन करना और नरेंद्र मोदी का विरोध करना, और जब आडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की गई तो सबसे प्रबल विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे और आज उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। तो इतनी राजनीति तो हम समझते हैं, बाकी वो दिल्ली क्यों गए हैं और दिल्ली गए हैं तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तो अजात शत्रु हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो दल से ऊपर रहा है, जब वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी लोग उनको अपने नेता के नाते स्वीकार करते रहे। विपक्षी जो एकता है उनसे भी लगातार नेताओं से, केजरीवाल से, तमाम लोगों से मिलेंगे, राहुल गांधी से भी मिलेंगे, तो मिलने में क्या लगा भी, जब उनके साथ के लोग तो उनसे तो मिलेंगे ही ना। लेकिन पिछले एक साल में बिहार में एक भी दल अगर महागठबंधन में जुड़ा हो तो नाम बता दीजिए, एक भी कोई बड़ा नेता जुड़ा हो। उल्टे जीतनराम मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, आरसीपी सिंह अलग हो गए, तो नेता दर नेता दल दल पर दल अलग हो रहा है। और बिहार में तो जो मुख्य उनका कार्यक्षेत्र है वहाँ बीजेपी मजबूत हो रही है, बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, बता दें कौन जुड़ा उनके साथ। गांधी मैदान से कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी से छुटकारा दे सकते हैं। बोलने में क्या लगता है, अरे भाषण देने से ही अगर छुटकारा मिल जाता तो ये लोग तो कब्र खोदने में लगे थे, नरेंद्र मोदी की मौत का सौदागर कहते थे। और नीतीश जी बताएं कि 20 लाख रोजगार का क्या हुआ, पिछले साल गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली, एक भी व्यक्ति को। जो आंकड़ा दे रहे हो गलत आंकड़े दे रहे हैं, वो जिन लोगों को हमारी सरकार यानी एनडीए जब थी बिहार में उस समय जिन लोगों का जो नौकरी मिली उनको नियुक्ति पत्र आपने बांटा और उसी को कह रहे कि हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उनको तो धोखा दे दिया, प्रचार किया गया महागठबंधन के द्वारा की जो बैठक हुई उस बैठक के बाद अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। कहाँ कल उन्होंने कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे उनको बेहतर सुविधा देने के लिए, तो विषय बेहतर सुविधा नहीं ना है, मुद्दा तो है राज्यकर्मी का दर्जा। तो क्यों नहीं कल नीतीश कुमार ने जो 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान किया। तो इसलिए देखिए, नीतीश कुमार को लोग पहचान गए हैं, इसलिए बिहार में 3 बाई इलेक्शन और 2 हार गए और 1 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 64,000 वोट लाकर अब दूसरे नंबर पर रही।